नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। मैं गीतांजलि आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 2, 3, 4 वर्णों वाले ई की मात्रा के शब्दों को बोलना, लिखना व पढ़ना सीखा था। और आज की वीडियो में हम जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे क्या बनाए, पिक्चर्स बनी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्र। चित्र देखकर नाम लिखेंगे। चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 110 पे हम लिखेंगे चित्र देखकर नाम लिखो। इस पेज पे हमें चित्र देखकर नाम लिखने हैं। बच्चों, पहला चित्र किसका है? हिरण, हिरण। दूसरा चित्र गिलास, गिलास। हम सबके घर पे भी होता है, ये आपको नहीं आ रहा होगा। टोकरी होती है ना, एक ब्राउन कलर की बांस वाली टोकरी होती है, उसको बोलते हैं हिंदी में डलिया। क्या बोलते हैं? डलिया, डलिया, डलिया। ये आप सबके घर पे, किसी किसी घर पे है ना। खटिया, खटिया। अब ये तो सबने देखी है, स्काई में उड़ती है ना, बादलों में, आसमान में उड़ते हुए देखा है, आपके घर पे भी आती होगी। चिड़िया, चिड़िया। ये सबकी साइकिल में होगा, पापा की गाड़ी में होगा, बाइक पे होगा। क्या बोलते हैं इसको? पहिया, पहिया। ये क्या, ये आप लोगों ने बहुत कम देखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सितार। क्या बोलते हैं? सितार, सितार। ये क्या है? यस, गिटार, गिटार। आप सबके किसी किसी के खिलौनों में भी होगा ये गिटार, गिटार। ये सबकी पुस्तक है, अभ्यास पुस्तिका, इसको क्या बोलते हैं? किताब, किताब। अभी क्या है? नारियल पानी। अभी कोरोना चल रहा है ना, इसमें हमारे नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है, आप सबको पीना भी चाहिए। ये क्या है? नारियल, नारियल। बच्चों, चलिए अब आपको मैम ने बता दिया बोलना व चित्र दिखा दिए, अब मैम इसको बताएंगी कैसे लिखना है। बच्चों, अब आपको मैम ने अभ्यास पुस्तिका में बताया कि कैसे आपको बोलना है और लिखना है। चलिए अब आपको मैम बताती है इसको कैसे लिखना है चित्र पहचान कर। बच्चों देखिए, ग्रीन बोर्ड पे मैम ने कुछ चित्र बनाए हैं, अब आपको इनको देखना है और बताना है कि इनको क्या बोलते हैं और कैसे लिखना है, मैम आपको सिखाएंगी। बच्चों, ये पहला चित्र कौन सा है? वेरी गुड, गिलास। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ग, किसका साउंड आया पहले? ग, ग के साथ किसका आया? गि, ई, गि, ला। ल के साथ किसका साउंड आया? आ, गि, ला, स, स, गि, ला, स, गिलास। अच्छा बच्चों, अब दूसरा चित्र देखिए क्या है? चिड़िया, चिड़िया। अब लिखेंगे हम ची, च, ई, ची, ड, ई, डी, या, चिड़िया। क्या बन गया? चिड़िया, चिड़िया। वेरी गुड बच्चों, अब अगली पिक्चर देखेंगे, क्या है ये? किताब, 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 की, क, ई, की, त, आ, ता, ब, किताब, किताब।
यस। अगली पिक्चर देखेंगे बच्चों, आपकी साइकिल में होता है, पापा की गाड़ी में भी है ना। पक ही या पहिया पक। प में किसी मात्रा का साउंड आ रहा है, ध्यान सुनेंगे, बोलिए प। नहीं आ रहा प, क्या लिखेंगे पहले? प ही। हाँ ई ही या पहिया। बच्चों ये जो चित्र है ये वाली डलिया है, इसको क्या बोलते हैं? डलिया। आपने देखी है, कहीं कहीं देखी होगी, पहले घरों में होती थी, अब ये बहुत कम देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? डलिया। ड किसका साउंड आया? ड ली। ल का झटके के साथ ई का साउंड आया, ली या। डलिया। यस, ये होता है बच्चों सितार, एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं सी ता र। किसका साउंड आया पहले? सी। ता किसका किस साउंड आया? आ र। सी ता र सितार। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या है? नारियल। इसको आपको रोज या फिर एक दो दिन में एक बार ड्रिंक करना है, पीना है, इससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। चलिए क्या है? नारी यल नारियल। पहले किसकी आवाज आई बच्चों? ना। ना के साथ आ की। ना री। र की सबसे साउंड है, र का साउंड झटके के साथ आया, मींस छोटी की मात्रा। री। य के साथ किसी का भी साउंड नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं आएगी। ल। ल में भी किसी मात्रा का साउंड नहीं आ रहा है। चलिए स्पीक करेंगे, ना री नारी या ल यल नारी यल नारियल। यस, अगला पिक्चर बताइए बच्चों। मे बी आपके पास टॉयज में खिलौनों में हो सकता है, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं गिटार। गिटार, क्या बोलते हैं इसको? गी। पहले किसका साउंड आया बच्चों? गी। झटके के साथ आया, इट मीन्स छोटी की मात्रा। गी। टा के साथ आ का साउंड आ रहा है, र। र में किसी का साउंड आ रहा है साथ में? नहीं आ रहा, इसलिए इसमें मात्रा नहीं लगेगी। गी टा र गिटार। बच्चों आपको मैम ने ये अभ्यास पुस्तिका में भी सिखाया और ग्रीन बोर्ड में भी सिखाया, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 110 110 111 पे आपको ये कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आपको बोलने में लिखने में, तो आप मैम को फोन भी कर सकते हैं। आपको अपनी बुक्स में बहुत ब्यूटीफुल लिखना है, सुंदर सुंदर, ताकि आपको स्टार मिलेगा, है ना, और बहुत अच्छे से वर्क करके मम्मा को भी दिखाना है। तब तक के लिए बाय बाय।